नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरोही मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ग्वाटेमाला में सड़क हादसे में 17 की मौत। ग्वाटेमाला में एक पिकअप ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 17 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय प्राधिकारी ओन ने यह जानकारी दी। इस बीच टेक के सेट में एक वाटर पार्क में मंगलवार को हुई गोलीबारी में 6 लोग मारे गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में 30 लोग सवार थे। यह ग्रामीण इलाका ग्वाटेमाला सिटी के पूर्व में स्थित है। इस इलाके के लोग अक्सर पिकअप ट्रक से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जो को टर्न के मेयर ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। सीपीएससी से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा कर रही पाक सरकार। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर ध्यान दे रही है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार चीन सड़क एवं पुल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष यह 6 गायन अध्यक्षता में इस्लामाबाद आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ने उक्त टिप्पणी के बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्हें बताया कि कारोकरम राजमार्ग के हवेलिया छाकुर वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिंगापुर में नर्सों की तलाश भी मुश्किल। सिंगापुर में बुजुर्ग की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उनके देखभाल में तानिया नर्सों की मदद के लिए विदेशी नर्सों की नियुक्ति में मुश्किल आ रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ओम सिंह ने संसद में दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 24,000 नर्सों की जरूरत होगी। कुल पंजीकृत नर्सों में सिंगापुर के नागरिकों और वहां स्थायी तौर पर रहने वाली नर्सों की हिस्सेदारी 70%, वही देश में कार्यरत 100 से 76% इसी श्रेणी में आती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।